लगातार मीटिंगें हो रही है और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले हैं। ये सब हमने कहा है, मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, MSP है, MSP था, MSP रहेगा। इस सदन की पवित्रता समझे हम। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, MSP पर PM मोदी ने भरोसा दिया। उन्होंने कहा MSP थी और रहेगी। सुनाते हैं आपको PM मोदी ने क्या कुछ कहा। लगातार हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले हैं। ये सब हमने कहा है, मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, MSP है, MSP था, MSP रहेगा। इस सदन की पवित्रता समझे हम। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान किसान आंदोलन से लेकर कोरोना समेत सभी बड़े मुद्दों पर बात रखी है। लगातार हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले हैं। MSP है, MSP था, MSP रहेगा। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो नवा नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो बाहर नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे, एक पूरी टोली है जी। जल हो, थल हो, नभ हो, अंतरिक्ष हो, भारत हर क्षेत्र में अपनी रक्षा के लिए अपने सामर्थ्य के साथ खड़ा है। मुझ पर भी कितना
भी कहा जा सकता है कहा, लेकिन मुझे बहुत आनंद हुआ कि मैं कम से कम आपके काम तो आया। देखिए आपके मन में एक तो कोरोना के कारण ज्यादा जाना आना होता नहीं होगा, फंसे रहते होंगे और घर में भी खींची खींची चलती होगी। अब इतना गुस्सा यहाँ निकाल दिया तो आपका मन कितना हल्का हो गया, आप घर के अंदर कितने खुशी चैन से समय बिताते होंगे। तो ये आनंद जो आपको मिला है इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए, चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है, मौका लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन सभी मुद्दों के साथ साथ विदेशी षड्यंत्र पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा देश में नई एफडीआई आई, नई एफडीआई का मतलब है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। तो विदेशी षड्यंत्र जिस तरीके से रचा जा रहा है, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किसान आंदोलन के नाम पर किस तरीके से विदेशी षड्यंत्र रचा गया, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला किया। मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है, नए एफडीआई से देश को बचाना है। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई आज नजर का आ रहा है ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आगे सिख समुदाय को प्रधानमंत्री ने एक बड़ा संदेश दिया, देश सिखों पर गर्व करता है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा से साफ कहा पंजाब के किसानों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत अस्थिर रहे, अशांत रहे, इसे लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमें इन लोगों को जानना होगा। हम ये ना भूले कि पंजाब के साथ क्या हुआ, जब बंटवारा हुआ सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा पंजाब को, जब 84 के दंगे हुए सबसे ज्यादा आंसू बहे पंजाब के, सबसे ज्यादा दर्दनाक घटनाओं का शिकार होना पड़ा पंजाब को, जो जम्मू कश्मीर में हुआ निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया, जो नॉर्थ ईस्ट में होता रहा आए दिन बम बंदूक और गोलियों का कारोबार चलता रहा, ये सारी चीजों ने देश को किसी न किसी रूप में बहुत नुकसान किया है। इसके पीछे कौन ताकत है हर समय हर सरकारों ने इसको देखा है, जाना है, परखा है। और इसलिए हमें उस जज्बे से इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम तेजी से आगे बढ़े। और हम ये न भूलें कि कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है, देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा हो, मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं उनको गुमराह करने की जो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को घंटा तक दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।